बार बार आते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में? यहाँ का लोग तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव भी है, बहुत अच्छा भी है। नमस्कार, जय जय मेमराज, उत्तराखंड दर्शन और माँ ज्वाला देवी पेज देवलधार में सभी का स्वागत करता हूँ। प्रवीण निमरे एक बार फिर से और एक नई वीडियो को लेकर के मैं आपके बीच। आप सबसे पहले तो दर्शन करें माँ गंगा के, अलकनंदा नदी हैं ये। और अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ इसका संबंध है भगवान शिव से, इस स्थान का संबंध है भगवान शिव से, इस जगह का संबंध है भगवान शिव और भस्मासुर से, जिसको कि आशीर्वाद था भस्मासुर को कि वो किसी के भी सिर पर हाथ रखे तो वो जल जाए, भस्म हो जाए। तो ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान शंकर कुछ क्षण के लिए एक गुफा में भस्मासुर के डर से कुछ क्षण के लिए रुके थे, उन्होंने ध्यान किया यहाँ पर। और इस स्थान का नाम है कोटेश्वर महादेव और ये स्थान रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है, जो कि उत्तराखंड का एक, मतलब रुद्रप्रयाग ज़िला तो आप लोग जानते हो केदारनाथ से और बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारी जगह है रुद्रप्रयाग में कि जो देखने लायक है। लेकिन कोटेश्वर महादेव मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग आपने देखे हैं लेकिन इस जगह का अपना एक महत्व है। यहाँ पे एक गुफा है, प्राचीन गुफा, जहाँ पे भगवान शंकर ने भस्मासुर से बचने के लिए कुछ देर विश्राम किया था और वहाँ पे उन्होंने ध्यान किया था। तो अभी ये जो गंगा माता देख रहे हो आप, अलकनंदा नदी देख रहे हो, ये अभी बहुत नीचे है लेकिन कुछ समय बाद, मतलब जब बरसात का समय था, ये ऊपर तक भगवान शंकर को स्वयं स्नान करवा रही थी। तो भगवान शंकर और माँ गंगा का जो मिलन है उसका एक अद्भुत नज़ारा आपको अगर देखना है तो इस जगह पे आकर देखना है। और ये चट्टान देख रहे हो आप, ये बिल्कुल खड़ी चट्टान है, इस पर कहीं पानी का कहीं भी एक, मतलब आने का स्रोत ही नहीं है। लेकिन अद्भुत करिश्मा है कि यहीं आसपास ये जो गुफा है, मैं ले जाऊंगा आपको खैर वहाँ स्थान पर, लेकिन ये जो गुफा है उसी के पास में एक जगह है यहीं पर, वहाँ पर पानी स्वतः ही, वहीं पर वो पानी आता है थोड़ी देर, थोड़ा ऊपर से, लेकिन बहुत अद्भुत स्थान है। आप लोग यहाँ पर आ कर के ज़रूर दर्शन करें गंगा मैया और साथ में भगवान शंकर के उस स्थान का जहाँ पे भगवान शंकर स्वयं विराजमान हुए थे। आप लिंग है, काफ़ी प्राचीन है। और ये देखिए अभी धूप लगी हुई है, मैं दिन के समय काफ़ी धूप हो रही है आजकल यहाँ पे, लेकिन अब धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो यहाँ पे ये हमेशा ही खुला रहता है। और यहाँ पास में अनेक मंदिर हैं, शनिदेव मंदिर है, माँ पार्वती मंदिर है, गणेश मंदिर है, हनुमान मंदिर है, तो सभी देवी देवताओं के आपको दर्शन करने हैं। लेकिन मुख्य जो है भगवान शंकर, जो यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयं जिन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, उसके दर्शन करने के लिए ले जाता हूँ मैं आपको। आप पूरी वीडियो में बने रहें। ये एक चट्टान है यहाँ पे और लेकिन यहाँ पे आप देखोगे गुफा के ठीक सामने ही आपको इस तरीके से पानी का झरना दिखाई देता है, जो कि अद्भुत है। और पानी और कहीं नहीं है, यहीं पे पानी पीने योग्य है। बाकी ये अलकनंदा नदी आपको दिखाई दे रही है जो बहुत मटमैली हो रखी है आजकल, क्योंकि ऊपर जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और धीरे धीरे, मतलब बरसात हो रही होगी ऊपर, और मौसम भी अभी साफ बना हुआ है। गुफा के अंदर मैं आपको अगर ले जाऊँ तो देखिए ये सामने गुफा का मुख्य द्वार आपको दिखाई दे रहा है, और अंदर अगर प्रवेश करता हूँ तो आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले नंदी महाराज जी और सामने दूसरे नंदी जी हैं और बहुत सारी, ये देखिए ये चट्टान बाहर से तो बिल्कुल ड्राई दिखती है लेकिन अंदर पूरा गीली गीली सी है। और ये देखिए यहाँ पर अनेक देवी देवताओं के आपको चिन्ह मिलेंगे और अनेक देवी देवताओं के आपको दर्शन मिलेंगे। लेकिन अंदर अगर आप देखोगे वहाँ पर, तो यहाँ पर है भगवान श्री महादेव, जो कोटेश्वर महादेव हैं उनका आपलिंग है, स्वयंभू है। और ये देखिए उसके आसपास में आपको अनेक देवी देवता है। यहाँ अंदर देखिए, इधर देखिए माता पार्वती भी हैं और साथ में गणेश भगवान जी हैं और अन्य देवी देवताओं के आपको दर्शन यहाँ पे होंगे। तो मान्यता है कि इस गुफा में भगवान जो भोलेनाथ जी हैं, भस्मासुर, जिसको कि आशीर्वाद था कि जो किसी के सर में हाथ रखने पर वो भस्म हो जाता था, तो भगवान शंकर जी उससे बचने के लिए इस गुफा में आए थे और कुछ क्षण यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था। तो ये गुफा खैर ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी मतलब धार्मिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। यात्री आए हैं जो पश्चिम बंगाल से, देखिए तो अभी कोटेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए वेस्ट बंगाल से
भक्त आए हुए हैं, आप इनसे थोड़ा सा सुन लेते हैं कैसा लगा और कहाँ कहाँ से होके आए आप। बहुत अच्छा लगा, हम लोग तुंगनाथ से कार्तिक स्वामी होके इधर आया। आपको ये बताइए यहाँ पे देवप्रयाग रुद्रप्रयाग भी गया था, बहुत अच्छा लगा। ये हमारा थर्ड टाइम है उत्तराखंड, बहुत बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो हम बार बार आते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ का लोग तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव भी है, बहुत अच्छा भी है। अगर आप कोई हेल्प मांगो तो तुरंत हेल्प कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम भाई? सुब्रतो विश्वास। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिल करके, और आप दोबारा आए कभी? हाँ, अभी बद्रीनाथ गए होंगे आप? बद्रीनाथ था, अच्छा, एक बार बद्रीनाथ था। अच्छा था, चलो बहुत अच्छी बात है। जय जय अम्बे। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो चट्टान है, इस तरीके से ऊपर पूरी ये चट्टान है और पानी केवल इस क्षेत्र में, मैंने आपको दिखाया वीडियो में, यहाँ पे दिखता है, बाकी पानी इस पूरे चट्टान पर कहीं भी नहीं है और आसपास का पूरा मतलब चारों ओर पानी का कोई और स्रोत भी नहीं है। आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं, एक मंदिर यहाँ पे है बजरंगबली का और शनिदेव मंदिर भी है पास में, और यहाँ ऊपर पे माता पार्वती का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन बहुत ये देखिए ये शिलाएँ जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बृहद, और यहाँ पर बंदरों का भी काफ़ी बोलबाला है, जो प्रसाद होता है वो ये उसको खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है जलमग्न हो रखा है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित, तो बहुत सुंदर क्षेत्र है, बहुत प्यारा। कोटेश्वर महादेव मंदिर के निकट स्थित अन्य मंदिरों का जो समूह है, ये देखिए पीपल का पेड़ और उसके सामने एक शिवालय और है, यहाँ पे भगवान शंकर के काफ़ी लिंग यहाँ पे रखे हुए हैं, सामने भी पीपल का पेड़, वहाँ पे भी शिवालय है, और अंदर एक मंदिर है वहाँ पे भी भगवान शंकर का शिवालय है। तो भाई बहुत सारे मंदिरों और एक प्राकृतिक सुंदरता का एक पूरा का पूरा मेलजोल है यहाँ पर, तो आप लोग ज़रूर आएँ भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर। तो आज मेरे साथ थे कुमेरी जी, पंकज कुमेरी, इनका चैनल पंकज पंकज पहाड़ी ब्लॉग्स 1152, पंकज पहाड़ी ब्लॉग्स 1152 यूट्यूब पर सर्च कीजिए और मेरे भी ब्लॉग्स देखिए और कुछ मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में मैं कुछ अपने जो अपनी कलाएं रहती हैं, जो मेरे अंदर एक्टिंग है, तो उन चीज़ों को दिखाता हूँ।